हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल वेजी जोन पर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की बर्फ़ी, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी 250 ग्राम, 200 ग्राम शुगर, बड़ा टीस्पून घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, एक ग्लास पानी, अब हम शुरू करते हैं सूजी की बर्फी बनाना। बड़ा टीस्पून हमने घी डाल दिया है। गैस को मध्य आंच पर रखते हुए हम अब सूजी डाल दी हमने, जो हमने 250 ग्राम सूजी ली थी उसको मध्य आंच पर हम भून रहे हैं। इसको हम आहिस्ते आहिस्ते चलाते रहेंगे, तो इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें से सिकने की खुशबू ना आने लगे। इसको ऐसे ही हम चलाते रहेंगे जिससे कि ये मध्य आंच पे सिकती रहे और इस मतलब जलने की कोई तेज आंच पे अगर हम इसको चखेंगे तो ये जलने का रहता है, इसलिए इसको हम मध्य आंच पे ही इसी तरह से 15 मिनट सेकेंगे। जब ये सिकने लगेगी तो हमें इसका कलर थोड़ा वाइटनेस देने लगेगा। जैसे हम हलवा बनाते हैं सूजी का, ठीक उसी तरह से हमें इसको सेकना है। हलवा में घी ज़्यादा लिया जाता है लेकिन इसमें बिल्कुल कम घी की ज़रूरत होती है। हाँ, तो अब हमारी ये सूजी देख रहे हैं आप गाइस, हमारी ये सूजी पूरी तरह से सिक के तैयार हो चुकी है। इसका कलर भी वाइटनेस देने लगा है और अब हम इसको उतार लेंगे। उतार कर हम इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अब चाशनी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम शुगर डालेंगे, जो हमने 200 ग्राम ली है, एक ग्लास पानी, इसमें आधा ग्लास पानी ही लेंगे। इसमें एक ग्लास पानी इसमें चाहिए होगा हमें, चाशनी हमारी उबल रही है। इसमें हमें थोड़ी नरम चाशनी लेनी होती है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही डाला है और एक तार की चाशनी इसकी हमें लेनी है, क्योंकि सूजी पानी को चाशनी को ऑब्जर्व कर सकती है। अगर हम टाइट चाशनी लेंगे तो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें इसकी चाशनी थोड़ी नरम लेंगे जिससे वो अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। अभी हम इसको उबलने देंगे, जब तक कि ये एक तार की चाशनी ना हो जाए तब तक हम इसे उबलने देंगे। अब हमने गैस बंद कर ली है, चाशनी पूरी तरह से हमारी तैयार हो गई है बन के। ये देखिए, चाशनी को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेट पे हमने बूंद ले ली। इस बूंद को हम इस तरह से घुमा रहे हैं, ये बूंद अपनी जगह पे ही घूमेगी, फैल नहीं रही है, मतलब हमारी चाशनी पूरी तरह से बन के तैयार है। थर्ड स्टेप में हम अब जो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हमने 5 मिनट चाशनी को ठंडा कर लिया है। गरम चाशनी इसमें नहीं डालेंगे हम, कुछ ठंडी 5 मिनट ठंडा करने के बाद इस चाशनी को हम इसमें डालेंगे और फिर इसको हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और हिलाएंगे। जैसा इसकी ज़रूरत हो आवश्यकता अनुसार हम थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, जिससे कि ये जो सिकी हुई सूजी है ये धीरे 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 ऑब्जर्व करती रहेगी। और इसकी एक साथ हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो एकदम गीली हो जाएगी और वो सही नहीं रहेगी, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी ही इसमें डालनी है। इस तरह से हिलाते रहेंगे, लिए 2-3 मिनट बाद फिर हम इसमें और ज़रूरत होगी फिर वो थोड़ी डाल देंगे चाशनी, जिससे कि ये सूजी का कण है पूरी तरह से चाशनी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, मिठास पूरी तरह से अंदर आ जाएगी और फिर हम इसको थाली में बिछाने के लिए तैयारी कर लेंगे। एक थाली लेंगे, उस थाली में हम घी लगाएंगे और घी लगा के इसको बिछाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें इसको
आराम से पूरी तरह से इसको चाशनी को ऑब्जर्व होने के लिए इसको हमें घोल को छोड़ना है। देखिए ये सूजी ने अपने अंदर चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसकी और थोड़ी सी और ज़रूरत है। ये बची हुई चाशनी है, ये भी पूरी इसमें लग जाएगी। हम इसको वापस से डाल के हिला के फिर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे और हमारे लिए थाली में बिछाने के लिए तैयार हो जाए। 2-3 मिनट और हम ले लेते हैं। अब हम इसमें देखिए ये पूरी तरह से चाशनी इसमें सोख ली है इसमें। अब हम इसको थाली में बिछा लेंगे, थाली में डाल के इसको हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने रखे हैं वो डालेंगे, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, फ्लेवर इसकी अच्छी लगती है इसलिए कुछ ज़्यादा ही डालना है इसमें इलायची। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसमें कुछ घी भी डाल लेंगे जिससे कि इसमें सूखापन नहीं आए। ये थाली है हमारे सामने, इसको हमने घी से ग्रीस करके रख दिया है। अब इसमें हम इसको डाल के अच्छे से फैला देंगे। ये हम आपके सामने इसको हम थाली में हमने अच्छे से फैला लिया है। इसको 1 घंटा हम हवा में पंखे के नीचे रख देंगे जिससे ये सूख जाएगा। सूखने के बाद हम उंगली से दबा के इसको देखेंगे और अब जब हमें सूखा सा लगेगा तो हम इसको चाकू से इसके पीस काट लेंगे। ये हमने इसको जमा के रख दिया था, अब 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको देख रहे हैं, इसकी पूरी तरह से ये कड़क हो चुका है और हम इसे अब आसानी से काट सकेंगे। कड़क अच्छा हो गया है, अब इसके पीस निकल जाएंगे।